रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी में मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर सौरभ जोशी को धमकी भरा पत्र भेजा था, जिसमें पैसे न देने पर सौरभ और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच में जुट गई। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि सौरभ जोशी से रंगदारी मांगने वाले आरोपी अरुण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इसका किसी गैंग से कोई संबंध है या नहीं। हालांकि यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई, जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की और FIR रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिए के आसपास के CCTV देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया। और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरभ जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में एक होटल में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकाने का कार्य। गिरफ्तारी कहाँ से हुई इसको? यहीं हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूर्व में या हल्द्वानी में आकर सौरभ जोशी घर के रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से ही हल्द्वानी आया था। और जब पैसे लेने के इरादे से हल्द्वानी आया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।